हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूक्रेन रसिया का जो ये युद्ध हो रहा है, जो कि काफी खतरनाक है, आप सब डेली अपडेट्स उस पे देख रहे होंगे न्यूज में, रिपोर्टिंग में, बट वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन समझते हैं हम एकदम बेसिक से, और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है इसके लिए। इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं और जितने भी फेमस प्लेसेज हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, मैंने दोनों मैप रखा है, थीमेटिक मैप भी रखा है, पॉलिटिकल मैप भी रखा है, और वो 5-6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप खुद क्लियर हो पाओगे कि इस वॉर का रीजन क्या है। चलिए, मैप को हम जूम कर लेते हैं, आई थिंक आपको सहूलियत होगी और दिखेगा अच्छे से। सबसे पहले समझते हैं रूस और यूक्रेन की बाउंड्री को क्या है। देखिए, रूस जो है एक सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट आप कह सकते हो, है ना? रूस जो देश है ये कैसा देश है, तो ये मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट इस टेंडेंसी का देश है। हालांकि अब उस लेवल का नहीं रहा, और ये चूंकि काफी डीप चीजें हैं इसलिए आपको आसानी से नहीं समझ में आएंगी। आपको समझना है कि वहां पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, है ना? तो रूस का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में। समझते हैं इसको ऐसे एकदम आम लोगों की भाषा में। रूस जो है पहले और भी बड़ा था। आज अगर रशिया का आप मैप देखोगे तो वो एशिया और यूरोप दोनों कंटिनेंट में है, लेकिन एक समय ऐसा था जब रूस उससे भी बड़ा था। तो कोल्ड वॉर एरा आप लोग पढ़ोगे तो कोल्ड वॉर एरा खत्म होता है और 1991 में रशिया टूटता है और 17 पार्ट में, छोटे छोटे स्टेट में वो बट जाता है। मैं आपको दिखाता हूं मैप कि बंटने के बाद और कितने स्टेट बनते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये रूस है, ये यूरोप के पार्ट का रूस है ना? आप अगर देखोगे रूस की पूरी ये बाउंड्री, तो आप देखो यहां, यहां से ये शुरू होगा, है ना? ये यहां से शुरू है और ये यूरोप का पार्ट, ये यूराल माउंटेन है, इसको डिवाइड करता है यूरोप और एशिया से। आप लोग जीकेजीएस में पढ़ते होंगे। तो क्या होता है, दरअसल ये जब टूटता है तो ये छोटे छोटे स्टेट, इस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस, आप सिंपल समझो कि ये जो बाउंड्री पे जितने स्टेट हैं ये सब रूस से अलग हुए हैं। अल्टीमेटली कजाकिस्तान, ये सब का सब रूस का पार्ट था, है ना? एक जमाने में धीरे धीरे ये सब टूट रहा है। तो रूस यूक्रेन से ही क्यों लड़ रहा है, ये आपका सवाल जेन्युइन है। आखिर ये युद्ध इतना भयानक क्यों हुआ, इसको जरा समझते हैं थोड़ा डीप से हम लोग। और यहां आते हैं यूक्रेन और रूस के बॉर्डर के पास। ये रहा आपका यूक्रेन, है ना? तो ये यूक्रेन जो आपको दिख रहा है अभी, ब्लैक सी यानी काला सागर के पास, तो ये अंदर का पार्ट जो है ये है ब्लैक सी। इस मैप में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहां पे आपको दिखेगा ब्लैक सी। ये ब्लैक सी हो गया, ये रशियन बाउंड्री हो गया। अब शुरुआत कहां से हो जाती है इस प्रॉब्लम की, रूस की अगर आप बाउंड्री देखोगे तो ब्लैक सी को ये थोड़ा सा एक्सेस करता है सी ऑफ अजोब होकर के और लेटर इधर से, लेकिन जो मेन पार्ट है काला सागर का वो आ गया है किसके बाउंड्री लाइन पे, तो वो आ गया ब्लैक सी। ठीक है, तो 2014 में एक वहां के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था विक्टर यानुकोविच, यानुकोविच उनका नाम था। उन्होंने एक पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था, उसको साइन करने से उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, वो बिल क्या था, देखिए यूरोपीय यूनियन और नाटो को इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं, बट वो बिल में यूरोपीय यूनियन और नाटो के साथ समझौता करके बाउंड्री लाइन को या सिक्योरिटी को या इकोनॉमिक को मजबूत करने की बात की गई थी। अब इसको कुछ समझने के लिए आपको ऐसे समझते हैं, नाटो क्या है, मैप से मैं समझाऊंगा एकदम क्लियर रहेगा आपको। आप ध्यान से देखोगे तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉर्थ अटलांटिक कहते किसे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो इधर है पैसिफिक, ठीक है, और ये वाला जो इलाका है ये आ जाता है अटलांटिक। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा ऐसे जितने भी ये सी साइड है, ध्यान से देखना एकदम कूल समझ में आएगा। अब इसमें नॉर्थ अटलांटिक ऊपर का हो जाता है, जैसे नॉर्थ पैसिफिक ऊपर का हो जाता है उसी तरीके से, तो नॉर्थ अटलांटिक
और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हुआ यूं था, हिस्ट्री किताब में अगर आप लोग कहोगे तो अलग अलग पार्ट में बना के बता दूंगा। हुआ यूं था, कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो अमेरिका और रूस अपने अपने फ्रंट बना रहे थे, देशों का समूह बना रहे थे, और उसमें ये ट्रीटी किया गया कि ये जो है इतने देश मिलकर के अगर इसमें से किसी पे अटैक होता है तो हम सब मिलकर के लड़ेंगे। तो नाटो कुछ नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक के ये जितने देश हैं, मेनली यूरोपीय यूनियन के छोटे छोटे देश है, चूंकि अपनी डिफेंस और मिलिट्री इन लोगों के पास नहीं रहती है, कंबाइंड इन्होंने बनाया कि हम पे कोई भी अटैक करेगा तो हम उस पे अटैक करेंगे। और इन्होंने क्या किया, अमेरिका से पार्टनर कर लिया। दरअसल अमेरिका ने ही इनको पार्टनर बनाया है, अमेरिका ने इनको सिक्योरिटी की गारंटी भी दी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, ये है यूरोप, सॉरी ये है यूरोप और ये रहा अमेरिका, और इन सबको अगर मिला देते हैं तो ये नॉर्थ अटलांटिक के पार्ट हो जाएंगे। आई थिंक अभी क्लियर होगा आप सबको। अभी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे, और यूरोपीय यूनियन, और उसी तरीके से यूरोपीय यूनियन कहाँ है, ये सारा यूरोप का इलाका अपना एक यूनियन बना के रखता है, इनका एक करेंसी होता है यूरो। उस करेंसी का फायदा क्या होता है, अभी आप लोग कुछ दिन पहले पढ़े होंगे, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है, उसकी बहुत बेनिफिट्स उनको मिलते हैं ट्रेड में, और किसी के पास ट्रेड अच्छा होगा, उनका व्यापार अच्छा होगा तो पैसे आएंगे और वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। और प्लस एक सिक्योरिटी अलायंस जो नेटो है, अगर वो उसके साथ मिल जाते हैं तो बाउंड्री अपनी वो मजबूत करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जब बाउंड्री इनकी स्ट्रांग होगी, डेफिनेटली जब स्ट्रांग होगी तो ये रशिया या कोई भी देश हो इनके बगल में, उनसे ये चाहेंगे कि हम अपनी सुरक्षा बढ़ाएं। और ये सुरक्षा किसके दम पे होगा, नेटो के दम पे। आखिरकार आप देख रहे होंगे युद्ध अभी चल रहा है तो नेटो ने कुछ हेल्प नहीं की है, बट समझते हैं थोड़ा और आगर के कि जब ये बिल पास हुआ तो ये प्रेसिडेंट जो थे विक्टर यानुकोविच, इन्होंने साइन करने से मना कर दिया और वहां रिवॉल्यूशन हो गया 2014 में। उनको रिजाइन करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यूरोपीय यूनियन के साथ उन्होंने साझेदारी नहीं की। अब रसिया को क्यों डर है, देखिए रूस छोटा देश नहीं है, आप देखोगे तो पहले बाइपोलर वर्ल्ड कहा जाता था रूस और अमेरिका के बीच में, बट 1991 के बाद रूस क्या हुआ कि बट गया, और ऐसा माना जाता है पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा कि ये रूस की सबसे बड़ी हार थी, और उस समय से रूस बहुत बड़ा सुपर पावर में काउंट नहीं होता है वर्चुअली, हालांकि वो है ही, बट वर्चुअली लोग मानने को ये तैयार नहीं होते। तो रूस अगर इसकी बाउंड्री लाइन पे नाटो के ये एग्रीमेंट, नाटो के साथ इसका एग्रीमेंट हो जाता है तो नाटो के सैनिक भी युद्ध के समय में आएंगे और वो ब्लैक सी का इस्तेमाल करेंगे। अब ब्लैक सी का इस्तेमाल करेंगे तो ये रूस पे अटैक करना इजी हो जाएगा। आपने वर्ल्ड वार सेकेंड पढ़ा होगा या सुना होगा, तो जर्मनी जो है, आपको पता होना चाहिए, युद्ध करते करते पोलैंड, बेलारूस, ये सब इलाका करते हुए वो रूस पे अटैक उसने कर दिया था। जर्मनी इतना घातक हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आखिरकार यही उसकी हार का कारण भी बना। बट सिंपल समझते हैं हम कि अगर ब्लैक सी नाटो के कब्जे में आ गया तो ये जो चीजें हैं ना, ये वर्ल्ड सी से जुड़ी हुई हैं। आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं ये समुद्री रास्ते से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब बड़े बड़े युद्धक पोत आने लगेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर यहां आने लगेगा, तो आप देखे होंगे सीरिया के युद्ध में क्या हुआ था, और वहां पे इन सब जगहों का यानी सी एरिया का यूज करके काफी खतरनाक अटैक किए गए थे। केमिकल वेपन भी अटैक किए जाते हैं, और जो भी इक्विपमेंट, आर्म्स एंड इम्यूनेशन आएगा वो इसी वे से यूक्रेन के पास आ जाएगा। ये तो एक मतलब सिक्योरिटी रीजन से होता है। दूसरा चीज क्या है समझते हैं, दूसरा ये है कि अगर कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश अगर मान लेते हैं वो कब्जा कर लेता है किसी भी इस छोटे से इलाके को, मान लो कि क्रीमिया को इसने कब्जा कर लिया, ठीक है, अब इस मैप में हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा सा और क्लियर होगा आपका। 2014 के बाद क्या किया रूस ने, क्रीमिया को कब्जे में ले लिया, क्रीमिया को इसने कब्जे में ले लिया। अब कब्जे में जब इन्होंने ले लिया तो इनका कहना है कि
कि ये क्रीमिया हमारा पार्ट है, ये जबरदस्ती इन्होंने एनेक्स कर लिया 2014 में। जाहिर सी बात है कि हमारे देश भारत का ये जो है नक्शा मान लेते हैं, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये अंडमान निकोबार ऐसे सीरियली लाइन से है, तो हम मानते हैं कि अगर इस पे कब्जा है तो 12 नॉटिकल माइल तो हमारा अपना इलाका हुआ, और 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, वहां के इकोनॉमिक एक्टिविटी पे नजर बना सकते हैं 200 नॉटिकल माइल तक। तो रूस ने अगर इस पे कब्जा किया तो रूस का दावा है कि हमारा ये 200 नॉटिकल में तो ये पूरा ब्लैक सी आ जाएगा, तो अब इस इलाके में किसी की कोई आवाजाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जबरदस्ती छीना हुआ इलाका है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो पूरे वर्ल्ड कहते हैं कि ये अगर छीना हुआ है और अभी भी आप युद्ध की धमकी दे रहे हो, मिलिटराइज कर रहे हो, तो ये गलत बात है, ठीक है। अपने अपने जगह पे सब लोगों का अपना अपना आर्ग्यूमेंट है, उसको समझना पड़ेगा। फिर रूस ने एक और सूडो वॉर कहते हैं जिसे, मतलब कि सामने से नहीं लड़ेंगे उसको, कुछ ऐसे करेंगे कि वो मजबूर हो जाए। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक जगह ये डोनेट्स्क दिख रहा है आपको, है ना, ये डोनेट्स्क और ये लुहांस्क, ये रूस बॉर्डर से एकदम पास में लगे हुए हैं। तो रूस ने क्या किया, हमने जैसे पाकिस्तान करता है श्रीनगर में या जम्मू में थोड़े बहुत आर्म सप्लाई कर दिए, यहाँ के लोगों को मोटिवेट कर दिया, कि चूंकि ये लोग रूस की इथनी सिटी से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, मतलब इनका कल्चर अभी भी रशियंस, क्योंकि रशियन से अलग हुए हैं तो इनका जुड़ा हुआ है, तो इन्होंने पैसे और बाकी चीजों के दम पे यहाँ पे विद्रोह करा दिया, और ये दो प्रोविंस को पहले इन्होंने तैयार किया कि हमारा ये बेस होगा, हम आएंगे तो पहले यहीं पे ठिकाना बनेगा। रूस ने अटैक भी ईस्टर्न साइड से, यही साइड से किया है, ठीक है, और फाइनली अभी वॉर चल रही है कैपिटल में, इतना प्यारा शहर है यूक्रेन, फिर भी वहां के प्रेसिडेंट की आपने देखी होगी जज्बात और काफी सारे फोटो देखे होंगे। ये तो रहा वॉर का सिनेरियो, कैसे और क्यों जरूरी है, कैसे इस्तेमाल किया गया, और ब्लैक सी पे क्यों मामला सब अटक जाता है। मैंने बताया 200 नॉटिकल माइल जो है, जो भी देश के पास होगा ये ब्लैक, इसका एक भी इलाका वो 200 नॉटिकल माइल वह कैप्चर कर सकता है। तो अल्टीमेटली वर्ल्ड पावर्स, कोई भी अगर हम मान लेते हैं कि हमारे इलाके में ये आ रहा है, तो कोई भी वर्ल्ड पावर ज्यादा इस पे दखलअंदाजी नहीं करेगा। तो मोटा मोटी यही सब बातें हैं जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इसके पहले क्रीमिया को अधिग्रहण किया गया था, और रूस को ये डर है, वो ये एश्योरेंस चाहता है यूक्रेन से कि आप ना नाटो से जुड़ोगे ना फिर यूरोपीय यूनियन से जुड़ोगे। अगर ये दो टर्म्स एंड कंडीशन वो मान लेता है और रशिया के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, तो देन यूक्रेन विल बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वॉर सिचुएशन। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक चीज और, अगला जो पार्ट इसका आएगा वो इसका, इस वॉर का इंडिया से रिलेशन हम आपको बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।